अब बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाहर रोक देंगे तो श्वास को भरना पूरक कहलाता है योग में, बाहर छोड़ना रिचक कहलाता है। बाहर छोड़ के बाहर रोक देना बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक लेना अभ्यंतर कुंभक। थोड़ी कुकुन कूप लगाना जालंधर मत, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना उड्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना मूल बंद। जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, खेती के क्षेत्र में भी अलग अलग शब्द होते हैं ना, ये रबी की फसल है, ये इसकी फसल है, ये उपज ऐसी है, इसका ये दाम है, ये इसका बीज है, ये इसका ऐसा खाद है, उसके अलग अलग एक शब्दावली होती है। तो ये योग की शब्दावली से मैं आपको परिचय करवा रहा था। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे श्रद्धा पूर्वक, मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंत शक्तियों को जगाते हुए, देह को देवालय बनाते हुए, अपने आप को सब प्रकार के दिव्य भावों से भरते हुए। मैंने तीन शब्द बोले थे आपको, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और फिर अपने लक्ष्य को पाना। जानना, जगाना, पाना। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना, फिर अपना मनवांछित अभीष्ट पाना। चलो, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकना है। प्रयत्न ये करें कि लगभग आधा मिनट आप रोक पाए, जालंधर बंद उड़ियान बंद मूल बंद लग जाए। मेरा जितना पेट अंदर ना जाए तो जितनी जगह होगी उतना ही तो जाएगा, तो जितना जा सके उतना ले जाना। बहुतों के तो ट्रैफिक जाम है पूरे, ठसा ठस भर रखा है ठोक ठोक के, जैसे अनाज की बोरी सी भरते हो ना, ऐसे फैट की बोरी भर रखी है, वेट की बोरी है। ये यहां से खाली रहना चाहिए, इधर उभरा हुआ होना चाहिए, हो जाए जंघाए, बॉडी एक शेप में रहनी चाहिए। जो चीज जैसे होती है ना वैसे होनी चाहिए तो फिर सुंदर दिखती है। और ये मोटापा ये बदसूरती नहीं देता, ये बीमारियां भी देता है। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे तीन बंद के साथ। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार किसी को ऊर्ध्वरेता बनना है तो 51 बार से लेकर के 100, 101 बार तक कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, ऊर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण बड़ा शब्द सुना होगा आपने, शक्तिपात। ऊर्ध्वरेता होना, ब्रह्मवर्चस्व तेज को पाना, मृत्युंजयी होना, मृत्यु पर भी विजय पा लेना। बीमारियों की तो बात और औकात ही क्या है, तुम रोगों पर ही नहीं, अपने शरीर इंद्रियों अपने मन अपने विचारों अपनी भावनाओं पर ही नहीं, अपनी आदतों पर ही नहीं, अपनी मृत्यु पर भी विजय पा सकते हो। ये यात्रा है योग की। हाँ। फिर